नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में जल्द बनेंगे नए कोल्ड स्टोरेज। कम क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करेगी सरकार। रिलायंस कंपनी के विरोध में उतरे किसान। सोनीपत में किसानों ने बंद किया रिलायंस मॉल। कृषि कानूनों के विरोध में रेलवे ट्रैक ब्लॉक करेंगे किसान। जगह जगह 700 चौपालों का आयोजन करेगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों के खेतों व छोटी मंडियों के लिए कम क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने ऐलान किया है कि प्रदेश में बड़ी मंडियों के पास 5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ अब राज्य सरकार विकास खंड स्तर पर छोटी मंडियों के लिए 1000 मीट्रिक टन क्षमता और किसानों के खेतों पर 30 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए काम करने जा रही है। जानकारी के अनुसार ये फैसला हाल ही में आयोजित हुई विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के रोड मैप में कोल्ड स्टोरेज के विकेंद्रीकरण की योजना को शामिल किया गया है ताकि किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम मिल सके। अगर उनके पास कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था होगी तो वो कहीं भी किसी भी समय अपनी मर्जी के मुताबिक अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच जंग लगातार जारी है। किसान न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीते दिन सोनीपत के गांधी चौक पर किसानों ने मिलकर रिलायंस स्मार्ट मॉल को बंद कर दिया और मॉल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अंदर ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, मॉल के बाहर घंटों खड़े होकर पूंजीपतियों और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। किसान केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। ऐसे में अपनी मांगों के चलते ही किसानों ने रिलायंस की जियो सिम से लेकर रिलायंस कंपनी के सभी उत्पादों का बहिष्कार करने का भी फैसला लिया है। हालांकि बीते दिन हुए इस वाक्य में कुछ देर बाद पुलिस ने मॉल पहुंचकर किसानों को शांत कराया और कर्मचारियों को मॉल से बाहर भी निकाल लिया। लेकिन किसानों ने मॉल को बंद करते हुए चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक हम मॉल के बाहर ही बैठे रहेंगे और यहीं पर धरना भी देंगे। किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए अब सभी किसान संगठनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। दरअसल किसान नेताओं ने अब रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करने की बात कही है। इसका फैसला गुरुवार को हुई किसान नेताओं के बैठक में लिया गया। किसान संगठनों का कहना है कि हमने सरकार को समय दिया है, अगर समय रहते सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम आने वाले दिनों में रेलवे ट्रैकों को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। अब जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा तारीख का भी ऐलान कर देगा। इतना ही नहीं, दिल्ली का यह आंदोलन अब पूरे देश में फैलाने की कोशिश में जुटे किसानों ने 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे बंद करने का भी ऐलान किया है। तो वहीं 14 दिसंबर को देश भर में बीजेपी नेताओं के घेराव से लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की भी योजना तैयार की गई है। जबकि वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल करने का फैसला भी लिया है जिसमें किसानों को कृषि कानूनों के फायदे के बारे में समझाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।